प्रयागराज के यमुना पार थाना औद्योगिक क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इलाके के रहने वाले अनुराग यादव का शव औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के पास से बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार अनुराग यादव बीती रात अपनी बहन के साथ घर से बाहर निकला था, लेकिन आज सुबह अनुराग यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पास के ही टोल प्लाजा के पास से बरामद किया गया है। स्थानीय पुलिस अनुराग की मौत की जांच कर रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। अनुराग यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए, आज सुबह थाना औद्योगिक क्षेत्र से सूचना मिली थी कि 12 वर्षीय अनुराग यादव, उनकी जो बालक है, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। तत्कालीन सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस और सभी पुलिस अधिकारी एवं हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंची है। जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे कि मृत्यु के सही कारण और सही समय का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक पूछताछ में ये घर वालों ने बताया है कि कल देर रात अपनी बहन के साथ जो गांव के अंदर का एक मढ़ा है वहां पर गया हुआ था, और उसके बाद से ही ये जो है निर्जीव मिला इन लोगों को, जिसके बाद से ये लोग इन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए भी ले गए थे, लेकिन वहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सर, जो बहन है वो बताया जा रहा है कि शव के पास पाई गई थी, तो क्या कुछ निकल कर आया है? जो घर वाले हैं उनसे बातचीत की जा रही है, हर पहलू पे जांच की जा रही है, और घर वाले अगर किसी के बारे में बताते हैं कि उन किसी पे शक जाहिर करते हैं तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, और भली भांति इसका जो है पोस्टमार्टम परीक्षण के बाद ही अग्रिम जो भी कोई और बेटा भी चल रहा आप किसकी पत्नी हो? कितने बजे घर से निकला बच्चा? लगभग साहब 12:30 हो रहे लपेट में। आप लोग दोनों इधर आ जाइए। कोई और बेटा भी चल रहा था? आपका मोबाइल